पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। बताया जा रहा है कि माफिया बंधुओं को मारने वाले तीन नहीं बल्कि पांच लोग थे। तीन तो सामने थे ही, उसके अलावा दो शख्स पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। वारदात के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिससे शुरू से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि हत्याकांड में तीन से ज्यादा लोग शामिल थे। दरअसल शूटरों का सटीक टाइमिंग से मौके पर पहुंचना समेत और भी ऐसी कई बातें थीं जो कुछ और ही इशारा कर रही थीं। अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इसी क्रम में यह जानकारी सामने आई है कि हत्याकांड में तीन शूटरों के अलावा दो अन्य लोग भी शामिल थे। यह वह थे जो मौके पर मौजूद रहकर शूटरों को कमांड दे रहे थे। इनमें से एक स्थानीय था और उसने ही शूटरों के रहने खाने से लेकर उन्हें अतीक अशरफ की लोकेशन देने तक का काम किया था। दरअसल वारदात के कुछ ऐसे बातें सामने आई थी जिससे शुरू से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि हत्याकांड में तीन से ज़्यादा लोग शामिल थे। दरअसल शूटरों का सटीक टाइमिंग से मौके पर पहुंचना, उनसे मोबाइल या रुपए बरामद न होना, तीनों का अलग अलग जनपदों का होना, प्रयागराज से कोई पुराना कनेक्शन न होना जैसी तमाम बातें थीं जो कुछ और ही इशारा कर रही थीं। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने कस्टडी रिमांड पर लिए गए तीनों शूटरों में से इन्हीं से बाबत सवाल पूछे। कहा कि जब उनके पास मोबाइल नहीं था तो आखिर कैसे पता चला कि माफिया भाई कितने बजे अस्पताल पहुंचेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के दौरान यह बात सामने आई कि घटनास्थल पर शूटरों के दो मददगार भी मौजूद थे। हालांकि यह लोग कॉलविन अस्पताल के पास मौजूद थे जब अतीक अशरफ को मेडिकल के लिए लाया गया था। हालांकि तब मीडिया कर्मियों की भीड़ ज्यादा होने के कारण उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा था। इसके बाद वह बिना वारदात अंजाम दिए ही वापस चले आए थे। कस्टडी रिमांड के बाद आए थे शहर शूटरों के बारे में यह भी पता चला कि वह अतीक अशरफ की कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद प्रयागराज पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने धूमनगंज थाने के आसपास भी रेकी की थी। अगले दिन यानी 14 अप्रैल को भी वह धूमनगंज क्षेत्र में ही घूमते रहे। रात में जब अतीक अशरफ को लेकर धूमनगंज पुलिस कौशाम्बी के महगांव की ओर गई तो उन्होंने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के अचानक लौटने से उनकी प्लानिंग फेल हो गई। इसके बाद जब दोनों को लेकर पुलिस मेडिकल के लिए कॉलविन पहुंची तो भी वह नाकाम रह गई। इसके बाद फिर वह मौके की तलाश में लग गए। सूत्रों को खतरा, पुलिस लाइन में भी मेडिकल सूत्रों का कहना है कि कस्टडी रिमांड में अतीक अशरफ की हत्या के बाद पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसी क्रम में शूटरों की सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां तक उन्हें मेडिकल के लिए भी बाहर नहीं ले जाया जा रहा है। मेडिकल के लिए डॉक्टरों की टीम पुलिस लाइन में ही बुलाकर जांच कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इलाहाबाद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।